गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल एंड आई विल टीच यू ईवीएस इन क्लास सेकंड। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 रीचिंग प्लेसेस, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक एक्टिविटी थी जिसमें आपको बताना था कि ट्रेन, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या क्या, इनको चलाने में कौन सी चीज काम आती है वो लिखना था। जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको बताना था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले वाली क्लास में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने रोडवेज और रेलवेज के बारे में बात की। यानी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम रोडवेज यानी रोड से जाने का जो रास्ता होता है, ठीक है, सड़क मार्ग, रोडवेज यानी सड़क मार्ग। जैसे अगर आपको सड़क से जाना है तो आप कार का, स्कूटर का, बस का या फिर बाईसाइकिल, रिक्शा या फिर बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर आपको रेलवे से जाना है यानी आपको रेलगाड़ी के रास्ते से जाना है, ट्रैक से, पटरी से होके जाना है, तो आपको मेट्रो या फिर ट्रेन से सफर करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था वाटरवेज के बारे में, वाटरवेज यानी जल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग यानी अगर ऐसा रास्ता जिसमें हमें सिर्फ पानी से होकर जाना है तो हम किसकी मदद से जाएंगे, दे फ्लोट ऑन लेक्स, रिवर्स एंड सियास। तो जैसे शिप बोट या फिर स्टीमर होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, झीलों में, नदियों में और समुद्रों में तैर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं समुद्र रास्ते से जाना है या फिर पानी के रास्ते से जाना है तो आप शिप बोट या फिर स्टीमर की मदद से जा सकते हो। फिर अपन ने पढ़ा था एयरवेज के बारे में कि एयरवेज क्या होते हैं, यानी अगर आपको हवा के मार्ग से जाना है, हवा के रास्ते से जाना है कहीं पे, तो आप हॉट एयर बलून, ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन, इन चारों की मदद से जा सकते हो। दे फ्लाई इन द एयर, ये हवा में उठते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर दे रखे थे जिसमें हमें जो जो भी जैसे व्हीकल है, जैसे कार है, बस है, ट्रेन, अगर ये फास्ट मूव करते हैं तो इसके चारों ओर हमें क्या करना था, सर्किल। और अगर ये स्लो मूव करते हैं जैसे कि रिक्शा, ट्रैक्टर, बुल्लो कार, तो इनके चारों ओर हमें क्या करना था, स्क्वायर बनाना था। तो आशा करूंगी आपने बना लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट था, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई थी, ठीक है, फ्यूल फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए ईंधन, वी यूज पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी टू रन दीज व्हीकल। इन्होंने बोला था कि हम जो है इन व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो ट्रेन को चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्रेन को चलाने के लिए डीजल का यूज भी हम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, यानी डीजल और बिजली की मदद से भी ट्रेन को चलाया जा सकता है। उसके बाद है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के लिए एक अलग तरह का फ्यूल होता है जिसको क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल। क्या बोलते हैं, जेट फ्यूल। तो यहां पर आप डीजल या फिर पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे, जेट फ्यूल। ठीक है, एक अलग तरह का फ्यूल होता है जो एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए यूज किया जाता है। फिर है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल में तो हम पेट्रोल का यूज करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे पेट्रोल। उसके बाद फोर्थ नंबर पर है ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए यूज किया जाता है डीजल का, तो यहां पर हम लिखेंगे डीजल। ठीक है, फिर एक लाइन लिखी थी, बट बाइसाइकल्स रन ऑन योर एनर्जी, यानी जो बाइसाइकिल आप चलाते हो, साइकिल चलाते हो ना, वो आपकी एनर्जी से चलती है। आप जितना उसको तेज चलाओगे उतनी तेज चलेगी, जितना धीरे चलाना चाहोगे उतनी धीरे चलेगी। वो सब किस बात पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर, यानी आप जितनी एनर्जी उसमें लगाओगे उतनी एनर्जी से वो चलेगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गई पिछली क्लास की बात, जो होमवर्क दिया था ये बुक में ही करना है आपको। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर बताने हैं। व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल, गिव टू रीजंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल, गिव टू रीजंस, यानी कि आपको ट्रेवल यानी सफर करने की, यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको दो कारण बताने हैं।
यानी आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, तो उसकी उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके आपको दो कारण बता रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, वी नीड टू ट्रैवल ड्यू टू अवर पर्सनल नीड्स एंड टू रिफ्रेश अवर सेल्फ। तो हमें ट्रैवल की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे कुछ ऐसे पर्सनल नीड्स होती है ना, यानी हमारी जरूरत होती है, जैसे किसी को स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है, कोई कॉलेज जाता है, कोई ऑफिस जाता है, तो वो अपनी पर्सनल नीड के लिए जाते हैं, और टू रिफ्रेश अवर सेल्फ, और खुद को ताज़ा तरोताज़ा करने के लिए भी हम सफ़र करते हैं। जैसे देखो, एक आप सफ़र करते हो, आप घर से स्कूल आते हो, ठीक है, या तो बाइक से आओगे, टैक्सी से आओगे, तो ये आपकी पर्सनल नीड है। पर्सनल नीड कैसे है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल जाना होगा, और कभी कभी हम स्कूल जाने के अलावा, ऐसा तो नहीं है कि हम स्कूल ही जाएंगे तभी ट्रैवल करेंगे, कभी कभी हम कभी कहीं पर घूमने भी जाते हैं तो हम ट्रैवल करते हैं। जैसे आप कहीं दूसरी सिटी में घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप या तो ट्रेन से जाओगे या फिर मान लो प्लेन से जाओगे, तो वो अपन ट्रैवल क्यों करते हैं, खुद को रिफ्रेश करने के लिए, खुद को तरोताजा करने के लिए। तो दो कारणों से जो है हम ट्रैवल करते हैं, वी नीड टू ट्रैवल ड्यू टू अवर पर्सनल नीड्स एंड टू रिफ्रेश अवर सेल्फ, यानी एक तो हमारी खुद की पर्सनल नीड होती है, जैसे कि कोई स्कूल जाएगा ट्रैवल से स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाएगा, कोई अपने काम पे जाएगा, कोई कॉलेज जाएगा, ठीक है, तो या तो किसी की पर्सनल नीड होगी तो वो ट्रैवल करेगा, या फिर अगर उस किसी को कहीं घूमने के लिए जाना है तो वो ट्रैवल करेगा, टू रिफ्रेश अवर सेल्स, यानी खुद को अगर तरोताजा करना है कि भाई वहाँ घूम कर आते हैं, ठीक है, जिससे हमें अच्छा महसूस होगा, इसलिए वो ट्रैवल करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू हैव ट्रैवल्ड बाय। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि सफर करना है उसके लिए सबसे जो फास्टेस्ट है, यानी तेज जो साधन है, जो तेज व्हीकल है, उसका आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नाम लिखना है, यानी ऐसे यातायात का साधन जिससे आप जो है जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात का ऐसा साधन जो बहुत जल्दी ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दे और जिसमें आप सफर कर सकते हो। तो हम लिखेंगे देयर आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव वेरी फास्ट, एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन एक्सेट्रा। तो एक जगह से दूसरी जगह आपको जल्दी जाना है, तेज जाना है, तो आप कौन से व्हीकल्स का, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करोगे, हेलीकॉप्टर का, एरोप्लेन का और ट्रेन का। देयर आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव वेरी फास्ट, तो यहाँ पर ऐसे तेज यातायात के साधन है जो कि खूब तेज चलते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन, ये तीन ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी ही पहुंचा देते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में तो हम कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं, और ट्रेन में हमें थोड़ा समय लगता है, बट ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसा ट्रांसपोर्ट है, फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दैट यू लाइक वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट That you like, why? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो सड़क से जाने वाले ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं ना, यानी कि नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दैट यू लाइक, यानी आपको सड़क परिवहन के लिए जो गाड़ियां होती है ना, ऐसी दो गाड़ियों के बारे में लिखना है, और जो आपको पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रोडवेज, एक होता है रेलवेज। रोडवेज यानी जिसपे अपन सड़क से, जिस व्हीकल को अपन सड़क पर चला सकते हैं, ठीक है, रोड पर चला सकते हैं, जैसे कि स्कूटर है, बस है, कार है ना, साइकिल है, रिक्शा है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रोड के ट्रांसपोर्ट, जिन्हें हम रोड पर चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे दो नाम बताने हैं रोड ट्रांसपोर्ट के जो आपको पसंद है और क्यों पसंद है। तो आप क्या आंसर लिख सकते हो, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये ऐसी गाड़ियां होती है जैसे कि बसेस है, कार्स है, मोटरसाइकिल्स,
इनको आप सड़क पर चला सकते हो, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, रोड ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि हम इन्हें सड़क पर चला सकते हैं, जैसे कि बसेस यानी बसें हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं वगैरह, आर द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो रोड पर चल सकते हैं। अब क्यों पसंद है आपको उसके बारे में लिखना है, तो इसके दो पॉइंट्स लिख सकते हैं, वी गो टू स्कूल्स, ऑफिसेस, मार्केट्स बाय बस, कार्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो हम सब जो है स्कूल, ऑफिस और बाजार जा सकते हैं, किससे, किसकी मदद से, बस, कार और मोटरसाइकिल की मदद से हम स्कूल, ऑफिस और मार्केट जा सकते हैं। फिर दूसरा है, गुड्स आर सेंड बाय बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा, यानी जो सामान होता है वो बसों और ट्रक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यहाँ पर जो गुड्स है ना, गुड्स का मतलब वो गुड्स नहीं है ना, तो ये खाने वाला गुड़ है और ना ही अच्छा वाला गुड़ है, गुड्स यानी सामान, ठीक है। यहाँ पर गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सामान। तो जैसे आपने देखा होगा ट्रकों में और बसों में जो बहुत भारी भारी सा सामान होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बसों का और ट्रक्स का की मदद ली जाती है, ठीक है। बसेस और ट्रक्स की मदद से गुड्स को भेजा जाता है, सेंट, सेंट मतलब भेजना, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, सेंट का मतलब क्या हो जाएगा, भेजना। गुड्स आर सेंट बाय बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा, यानी जो सामान होता है वो किसकी मदद से जाता है, बसेस की, ट्रक्स की मदद से। इसलिए हमें जो ये रोड ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कार, बस और मोटरसाइकिल्स, ठीक है, ये सब इसलिए पसंद है क्योंकि इससे हम स्कूल जा सकते हैं, ऑफिस और मार्केट जा सकते हैं, और बसेस और ट्रक्स की मदद से हम सामान को भी भेज सकते हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैनी पीपल हैव टू ट्रेवल टूगेदर देन विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल दे चूज। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों को साथ में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रेवल करना है, सफर करना है, तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे, यानी कौन सी गाड़ी को चूज करेंगे, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे बसेस, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही छोटा इसका आंसर है। देखो मान लो अगर आपकी फैमिली में या फिर आप स्कूल ट्रिप पे जाते हो, तो खूब सारे लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं साथ में। तो जब बहुत सारे लोगों को साथ ले जाना होता है, तो हम ऐसे व्हीकल्स को चूज करेंगे जो थोड़े बड़े हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। तो बस में हम लगभग 50 लोग तो आ ही सकते हैं, ट्रेन, ट्रेन की मदद से भी खूब सारे लोग जा सकते हैं, और एरोप्लेन, एरोप्लेन की मदद से भी खूब सारे लोग साथ में सफर कर सकते हैं, और शिप, शिप में, शिप भी काफी बड़ी होती है, तो उसकी मदद से भी बहुत सारे लोग साथ में सफर कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल और छोटा सा है, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप एक्सेट्रा। क्वेश्चन क्या था, इफ मैनी पीपल हैव टू ट्रेवल टूगेदर देन विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल दे चूज, कि अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ सफर करना है, तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे, यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट को, कौन से ट्रांसपोर्ट को वो चूज करेंगे जिससे वो साथ में ट्रेवल कर सके। तो आंसर क्या हो गया, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 स्लोएस्ट एंड 5 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, कि आपको ऐसे 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम बताने जो स्लो चलते हैं, और ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो तेज चलते हैं, उनके 5 5 नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, यानी 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में लिखना है जो बहुत धीरे चलती है, और 5 ऐसी गाड़ियां या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बहुत तेज चलते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर अपन किस तरह से देंगे, तो देखो पहले हम स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखेंगे, यानी कि ऐसे ट्रांसपोर्ट जो, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो स्लो चलते हैं, धीरे चलते हैं। स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बुल्लॉक कार्ट, बुल्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, बुल्लॉक कार्ट क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी धीरे चलती है। फिर रिक्शा, तो रिक्शा को हम रिक्शा ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिख देते हैं, रिक्शा। साइकिल, साइकिल भी कैसे चलती है, धीरे। और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी कैसे चलता है, धीरे। तो इनको हम कहीं जाने के लिए यूज तो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए, बुल्लॉक कार्ट, रिक्शा, साइकिल एंड
ट्रैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टर, यानी ऐसे व्हीकल्स जो तेज चलते हैं, जिनकी मदद से हम अगर एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रेवल करना है तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रेन एंड कार। यानी एरोप्लेन की मदद से तो, और हेलीकॉप्टर की मदद से आप तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। अगर आपको एक देश से दूसरे देश भी जाना है तो 3-4 घंटे में आप पहुंच सकते हो। बस की मदद से, बस भी क्या है, एक सिटी से दूसरी सिटी जल्दी पहुंचा देती है। ट्रेन की मदद से और कार की मदद से भी हम बहुत जल्दी ही किसी जगह पर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रेन एंड कार। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आंसर मैंने आज की क्लास में आपको करवाऊंगी, क्योंकि एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो, इसलिए थोड़े क्वेश्चन बड़े भी हैं, ठीक है। आंसर हालांकि इतने बड़े नहीं है और आंसर भी इजी है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको अपना काम किस तरह से करना है। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे, कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स थे एक बार देख लो, और साथ ही साथ आपको क्या करना था, होमवर्क में भी ये डिफिकल्ट वर्ड्स करने थे, ठीक है बच्चों, होमवर्क में भी करना था आपको। होमवर्क में कैसे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, तो ये मीनिंग वापस आपको लिखनी थी यहाँ पर, जैसे मैं लिख रही हूँ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वैसे व्हीकल्स, तो क्या क्या मीनिंग्स थी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्हीकल्स यानी वाहन, गाड़ियां, बुल्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी, रिक्शा यानी रिक्शा ही होती है, व्हील मैंने चक्का, मेट्रो, ठीक है, मेट्रो क्या होती है, जो ट्रेन से थोड़ी फास्ट चलती है, रोडवेज, रोडवेज यानी सड़क मार्ग, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज क्या होता है, जिसमें आप ट्रेन की मदद से पटरियों से होते हुए जाते हो, ठीक है, आपका रास्ता ट्रैक होता है, रेलवे का ट्रैक, जिसे हम पटरी बोलते हैं। फिर 9th है वाटरवेज, वाटरवेज यानी जल मार्ग, और 10th है एयरवेज, एयरवेज यानी हवा मार्ग। उसके बाद आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर किए, तो 1 लाइन लीव करके क्लास वर्क लगाना है आपको, ठीक है, 1 लाइन लीव की, उसके बाद एक अगली लाइन में आपको क्लास वर्क लिखना है, यहाँ पर मैंने लाइन लीव नहीं की है, आपको करनी है, ठीक है, तो ये क्लास वर्क हो जाएगा आपका। डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, आज की डेट आ जाएगी यहाँ पर। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल, गिव 2 रीजन, हमें जो है ट्रेवल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके 2 कारण बताने हैं। तो हम लिखेंगे वी नीड टू ट्रेवल ड्यू टू अवर पर्सनल नीड्स, हमारी कुछ ऐसी पर्सनल नीड्स भी होती है, ठीक है, कुछ हमारे निजी कारण भी होते हैं जिसे हमें सफर करना पड़ता है। जैसे मेरे को मान लो आपको पढ़ाने के लिए स्कूल आना होता है तो मैं ट्रैवल करूंगी, आप पढ़ने के लिए अगर स्कूल आते हो तो आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, अगर हमें ऑफिस जाना है तो हम ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल करेंगे। तो कुछ पर्सनल नीड्स होती है, और एंड टू रिफ्रेश अवर सेल्फ, और कभी कभी हम खुद को रिफ्रेश करने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू हैव ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है जिससे आप ट्रेवल करते हो, यानी सफर करते हो। तो क्या क्या थे वो, कौन कौन से फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन, देर आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव वेरी फास्ट, ठीक है, जो खूब बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दैट यू लाइक वाय, यहाँ पर आपको ऐसे रोड ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना था, 2 रोड ट्रांसपोर्ट का नाम जो आपको पसंद है और क्यों पसंद है। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है, जैसे कि बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी जो बसें, कारें और मोटरसाइकिल्स होती है वो रोड ट्रांसपोर्ट के साधन होती है, और ये हमें क्यों पसंद है, क्योंकि इससे हम स्कूल, ऑफिस और मार्केट जा सकते हैं, और बसों और ट्रक की मदद से हम सामान को भेज सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ मैनी पीपल हैव टू ट्रेवल टूगेदर देन विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल दे चूज, कि अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ में ट्रेवल करना है, सफर करना है, तो वो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करेंगे, ठीक है, कौन से साधन को चूज करेंगे, कौन से परिवहन के साधन को चूज करेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवहन का साधन, यहां पर मैं लिख देती हूं परिवहन का साधन,
ठीक है, आप अभी छोटे हो, आप समझ नहीं पाओगे परिवहन का साधन क्या होता है। परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो साधन होता है ना अपने पास, जैसे कि गाड़ियां, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिवहन का साधन। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को परिवहन का साधन, पर अभी आप समझ नहीं पाओगे इसलिए मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्ड ही यूज कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, अगर बहुत सारे लोगों को साथ में सफर करना है तो हम करेंगे बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप का चूज करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 स्लोएस्ट एंड 5 फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो आपको ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बहुत धीरे चलते हैं उनका नाम लिखना है, जैसे कि बुल्डॉग कार्ट, रिक्शा, साइकिल एंड ट्रैक्टर, यानी कि बैलगाड़ी, रिक्शा, साइकिल और ट्रैक्टर। और फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट यानी जो खूब तेज चलते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बस, ट्रेन एंड कार। तो ये हो गई आज की क्लास, 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर समझा है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपको वर्क कैसे करना है वो भी समझ आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको वर्क कैसे करना है, और सबसे जरूरी बात, आपको वर्क टाइम टू टाइम करना है। जैसे आज का जो वर्क आपको मिलता है आप उसी दिन करो, ऐसा करने से क्या होगा, वर्क जो होगा वो ज्यादा जमा नहीं होगा और आपको फिर बाद में करने में परेशानी नहीं होगी, इसलिए काम जो है आप उसी दिन करो। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।